वहीं बीजेपी नेता राजेंद्र देसू जोधा को प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का व्याख्यान करना महंगा पड़ गया है। दरअसल देसू जोधा कालावली इलाके से ताल्लुकात रखते हैं और 2014 में बीजेपी की ही विधानसभा की टिकट पर चुनाव लड़े थे। देसू जोधा कालावली के गांव पक्का शहीद में बीजेपी की नीतियों के बारे में ग्रामीणों को रूबरू करवाने गए थे और इस दौरान जैसे ही उन्होंने विकास कार्यों का जिक्र किया तो भीड़ में से एक व्यक्ति ने देसू जोधा का जमकर विरोध किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता राजेंद्र देसू जोधा को प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का व्याख्यान करना महंगा पड़ गया। दरअसल देसू जोधा कलावली हलके से ताल्लुक रखते हैं और 2014 में बीजेपी की ओर से विधानसभा चुनाव भी लड़े। देसू जोधा कलावली के गांव पक्का शहीदा में बीजेपी की नीतियों के बारे में ग्रामीणों को रूबरू करवाने गए थे। जैसे ही देसू जोधा ने प्रदेश सरकार के हलके में करवाए गए विकास कार्यों का जिक्र किया तो भीड़ में से एक व्यक्ति ने देसू जोधा पर जमकर विरोध किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आया। उस व्यक्ति ने नेताजी से हलके में कराए गए विकास कार्यों की लिस्ट मांगी तो नेताजी की जुबान कुछ पल के लिए चुप हो गई। बाद में दूसरे ग्रामीणों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया, हालांकि नेताजी ने इसे एक पॉलिटिकल ड्रामा बताया। हमारा पर्व सदस्यता अभियान गांवों-गांवों में चल रहा है। उस अभियान के दौरान सभी गाँवों में मैं जा रहा हूँ और पक्का शहीदा गाँव में मैं गया और वहाँ पर जो हमारी सरकार की उपलब्धियाँ हैं आज तक, चाहे नौकरियों में लगा लो, चाहे किसानों को जो कुछ दिया है, या गांवों के विकास की बात हो, तो पूरी मैंने जब बात वहाँ पर बताई तो नंबर एक तो ये है कि हमारी ही ऐसी सरकार है भाजपा की जिसमें कोई भी आदमी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हर पारदर्शिता पूरी तरह से हमारी सरकार में। तो एक आदमी को पूछने का हक है, उन्होंने पूछा कि हमारे गाँव में जो आपने गिनाए जो विकास नहीं हुए हैं, तो मैंने कहा भी मेरे पास सारे सबूत हैं, सारी जो एस्टीमेट हैं लिस्ट मेरे पास है। तो उन्होंने कहा भी मुझे लिस्ट दिखाओ, मैंने लिस्ट भी दिखा दी और सारी गलियों का पढ़ के भी सुना दिया। और फिर वो बहकाया हुआ था जहाँ किसी की उंगली लगी हुई थी, वो कहता नहीं नहीं आप गुरु घर में जाकर कसम डालो। मैंने कहा भी गुरु घर में कसम डालने की क्या बात है, जब आपके सामने हैं सरपंच साहब अभी बैठे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अभी सभी गाँव में तो पक्का सीधा गाँव में लगभग 50 लाख रुपया 5-7 दिन पहले ही जो लाल डोरे के अंदर गलियां हैं उनका डाला हुआ है। तो उस गांव में लगभग 1.5 करोड़ रुपया अब तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगाया है। तो अब यदि लोग बातें करते हैं तो उनको कोई रोक नहीं सकता। वैसे विकास है जो सबका साथ सबका विकास की नीति पे हमारी सरकार चल रही है। दरअसल राजेंद्र देसू जोधा काफी समय से कलावली हलके में सक्रिय है और प्रदेश सरकार के अनेक मंत्रियों सहित मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी कई कार्यक्रम इस हलके में करवा चुके हैं। हलके में कितना काम हुआ या नहीं ये तो नेताजी को भी जुबानी याद नहीं। नेताजी ने कुछ दिन पहले सीएम मनोहर लाल खट्टर की गांव में विकास कार्यों को लेकर लाखों रुपए की ग्रांट देने की बात कही। देसू जोधा ने कहा कि बीजेपी के राज में सबको सवाल पूछने का अधिकार है, उस व्यक्ति ने भी सवाल पूछा तो मैंने उसको जवाब दिया। कोई सच्चाई नहीं है, अब पूछने का हक है, मैंने उनका जवाब दे दिया है। अब जो विरोधी लोग हैं, जब उसने सवाल पूछा मैंने सवाल पूछा, आपने वीडियो देखी होगी उसमें और कोई बात नहीं है, तो लोग पता नहीं कह रहे हैं ये हो गया जी ये हो गया। अब विरोधी पार्टियों को जो पच नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में पूर्ण बहुमत से बनी है और अब पूर्ण बहुमत से 75 सीटें पार ले जाकर अब दोबारा सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बन रही है, जो लोगों को पच नहीं रहा इसलिए ऐसी बातें वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको या पार्टी को बदनाम करने के लिए इस तरह से वीडियो वायरल हो रही है? हाँ बिल्कुल जी, ऐसा ही लोगों की जो सोच है वो उनका पूछना, जिसने सवाल पूछा उसकी जो मानसिकता नहीं थी मुझे बदनाम करने की, वो तो सरकार का आदमी है और सरकार के बारे में पूछ सकता है, परंतु विरोधी लोग हैं उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उनको भी देकर आप उनसे जाकर पूछो, अब वो भी कहेंगे कि हाँ जी विकास तो हुआ है, परंतु कहीं ना कहीं उनका जो गैप है वो रह गया था, वो सारा सही है, कोई बात नहीं है। नेताजी का कहना है कि जो व्यक्ति विरोधी पार्टियों के बहकावे पर उनसे बहस कर रहा था, उन्होंने कहा कि उनके हलके कलावली में काफी विकास कार्य हुआ है जिसे विरोधी पार्टी सहन नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि विरोधी दल उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, अब चाहे नेताजी कुछ भी कहें लेकिन लोगों ने सवाल पूछकर उनकी मुश्किलों को जरूर बढ़ा दिया है। सतनाम सिंह, टोटल न्यूज, सिरसा।